तो साथियों, अब हमारा जो अगला अलंकार है वो मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार का मतलब क्या होता है? देखो, अब जैसे इंसान है, जानवर है, ये सभी सजीव हैं। ये स्वयं से अपनी भावनाएं को व्यक्त कर सकते हैं, क्रियाकलाप कर सकते हैं। वहीं प्रकृति जो होती है वो मानव जैसी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते। मानव जैसी जो भावनाएं हैं, जो क्रियाकलाप हैं, कार्य हैं, वो प्रदर्शित नहीं कर सकते, वो कर नहीं सकते। और काव्य में जो हमारे कवि लोग हैं वो ऐसा कर देते हैं, अपने शब्दों में बादल को डांस करा देते हैं, फूल को मुस्कुराने दिखला देते हैं कि फूल मुस्कुरा रहा है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर, सिंपल सिंपल, जब काव्य में किसी प्रकृति से संबंधित चीजों का मानवीय भावनाओं या क्रिया के रूप में व्यक्त किया जा रहा हो, कि मनुष्य जैसे भावनाएं कर रहा है वैसे ये भी भावनाएं कर रही हैं या कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अब देखो, मानवीकरण अलंकार, जहां काव्य में जड़ पर चेतन का आरोप, अर्थात जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं, यहां पर आप इस चीज को ध्यान देंगे, तथा क्रियाओं का आरोप हो, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। यानी कि प्रकृति में मौजूद जो चीजें हैं, जैसे बादल, पानी, पेड़, पत्तियां, फूल, वो मनुष्य जैसी भावनाओं को दिखाते हैं या मनुष्य के जैसी क्रियाओं को दिखाते हैं, तो वहां पर एक प्रकार से क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। यानी कि प्रकृति को सजीवों जैसे भावनाएं या क्रियाओं को व्यक्त करते हुए दर्शाया जाता है। एक उदाहरण के रूप में समझते हैं, का मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अब देखो, इंसान महिला या पुरुष हो गया या कोई जानवर हो गया, वो बन सन ठन सकता है। बन ठन का अर्थ यहाँ पर है कि सुंदर सजना, है ना, सुंदर कपड़े पहनना, सुंदर हेयर स्टाइल कर लेना। और भी तो ये इंसान और जानवर तो कुछ हद तक बन ठन सकते हैं, लेकिन मेघ, मेघ मतलब बादल, बादल इंसान के जैसा कैसे सवर सकता है? बादल कभी ब्यूटी पार्लर गया थोड़ी ना है, है ना। तो यहाँ पर बादल को इंसानों जैसे कार्य करते हुए दिखाया गया है, तो यहाँ पर ये क्या है, मानवीकरण अलंकार है। तो ध्यान रखना, अगर जैसे देखो यहाँ पर ये कभी कभी अनुप्रास अलंकार भी बन जाता है, जैसे बा और बा शब्द आए हैं, तो चूंकि अनुप्रास अलंकार आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको उतना ध्यान नहीं देना है अनुप्रास पर। यहाँ पर ये देखना है कि मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, यानी जो बादल है वो इंसानों जैसा सज सवर सकता है, तो वो मानवीकरण अलंकार हो गया। अब देखो यहाँ पर लिखा है, लो यह लतिका भी भर लाई मधु मुकुल नवल रस गागरी, है ना। अब लतिका जो है वो गगरी कभी भर करके ला सकती है क्या? है ना, लतिका ऐसा नहीं कर सकती, इंसान कर सकता है। तो ये जो है यहाँ पर लतिका को इंसानों जैसे कार्य करते हुए दिखाया गया है और मानवीय भावनाओं का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया मानवीकरण अलंकार। देखो ये यहाँ पर इतना बड़ा है, लेकिन आपको आखिरी वाली लाइन पर ज्यादा ध्यान देना है। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान में उतर रही संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे। अब देखो यहाँ पर आप इस चीज को जरूर ध्यान देंगे, संध्या सुंदर परी सी, संध्या मतलब होता है शाम, इवनिंग। अब संध्या कभी परी जैसा हो सकती है क्या? संध्या सुंदर परी सी, यानी संध्या इतनी सुंदर है जैसे कोई परी लग रही हो। तो परी तो सुंदर होगी, संध्या भी सुंदर होगी, लेकिन परी जैसी तो नहीं हो सकती, क्योंकि संध्या को क्या है यहाँ पर, प्रकृति में है, वो निर्जीव है, मानवी जैसी भावनाओं को नहीं रख सकती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर काव्य में इसका वर्णन किया गया है, तो ये क्या है, मानवीकरण अलंकार है। देखो जो मैंने अंडरलाइन किया है इस पर विशेष ध्यान देना, संध्या सुंदर परी सी। अगला है, बीती बिभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी। अब देखो उषा जो है ना, यहाँ पर ये निर्जीव है और उषा का जो आरोप है वो नागरी पर है, तो उषा कभी नगर थोड़ी ना बन सकती है ना। तो उषा का नागरी में आरोप है, ये क्या हो गया आपका, मानवीकरण अलंकार हो गया। क्या हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, बीती बिभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी। अब यहाँ पर देखो जो उषा है ना, उसका आरोप नागरी पर है, यहाँ पर फिर से मानवी
मानवीय भावनाएं जो है यहाँ पर दिखाया गया है कवि के द्वारा, तो ये क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार हो गया। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, दोस्तों को भी शेयर कर लेना, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ अगर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं कमेंट, ठीक है। बाकी अगर आप मेरे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आई के आइकन में या फिर वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लेना, ठीक है। तो चलो फिर, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।